नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश आनियत पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं निस्सिम इज़िक्विल, जो कि इंडिया के मोस्ट फेमस पोएट कहे जा सकते हैं। इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर सी पोएम फिलॉसफी को। दोस्तों, निस्सिम इज़िक्विल के बारे में मैंने आपको बता रखा है, मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको निस्सिम इज़िक्विल की बायोग्राफी मिल जाएगी। तो निस्सिम इज़िक्विल के बारे में बहुत ज़्यादा ना बताते हुए शुरू करते हैं अपने इस पोएम फिलॉसफी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस पोएम के बारे में कुछ बातें, उसके बाद हम जानेंगे पोएम को लाइन वाइज लाइन या फिर टेक्स्ट वाइज टेक्स्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपना ये टॉपिक फिलॉसफी। दोस्तों, फिलॉसफी एक ऐसा पोएम है जो कि निस्सिम इज़िक्विल के द्वारा, इनकी एक पोएटिक कलेक्शन द एग्जैक्ट नेम जो कि 1965 में आई थी, उससे लिया गया एक पोएम है। ये 4 स्टेंजाज में डिवाइड है और हर एक स्टेंजा में 5 लाइंस हैं। इसकी राइमिंग स्कीम ए ए बी बी ए है और ये राइटर के डीप थॉट्स को या फिर उनके थॉट में हो रहे प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को डिस्कस करती है इस अपने पोएम में। तो चलिए पोएम को हम लाइन वाइज लाइन डिस्कस करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, पोएम स्टार्ट होता है, देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो, नॉट बाय प्लानिंग टू बट बाय अ फ्लो। यहाँ पे जो हमारे पोएट है निस्सिम इज़िक्विल, वो ये बता रहे हैं, ये सोचने के बारे में बात कर रहे हैं, थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं अक्सर जाता रहता हूँ, नॉट बाय प्लानिंग, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं होता है, बट बाय अ फ्लो, लेकिन अपने आप में चला जाता हूँ वहाँ पे। कहाँ पे? सोच में, है ना। अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस, इन सभी एग्जिस्टेंस से, इन सभी देश दुनिया से जितनी चीज़ें हैं उन सबसे दूर, टू अ कोल्ड ल्यूसिडिटी हुज विल इन अनकंट्रोल्ड, हुज विल इज अनकंट्रोल्ड। तो इस सभी दुनिया से, इन सभी एग्जिस्टेंस से दूर, कहाँ पर? बहुत ही कोल्ड, एक बहुत ही ठंडे, एक बहुत ही शांत जगह पर, जहाँ से या फिर जहाँ पे हमारी जो विल है, इच्छा है, वो अनकंट्रोल्ड रहती है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हियर, यहाँ पर द मिल्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो। मिल्स ऑफ गॉड, गॉड के जो मिल्स हैं, गॉड कौन है? गॉड हमारे क्रिएटर हैं, और क्रिएटर यानी कि जो क्रिएशंस के मिल्स हैं, यानी कि हमारा माइंड, हमारा माइंड यहाँ पर कभी भी स्लो नहीं रहता है, बंद नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस स्टेंजा में जो पोएट निस्सिम इज़िक्विल, वो ये बता रहे हैं कि वो अक्सर सोचने में चले जाते हैं या सोचने लगते हैं। क्या होता है? सोच उनको हर एक चीज़ से, एग्जिस्टेंस से दूर ले जाता है, जहाँ पर ये शांति से हर एक चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, जहाँ पर जो गॉड का क्रिएशंस, यानी जो माइंड में क्रिएशंस होती रहती हैं, वो कभी भी बंद नहीं पड़ती हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट स्टेंजा में बढ़ते हैं हम। द लैंडस्केप इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम डिसॉल्व्स टू शो इट्स क्विंटेसेंशियल स्लाइम। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? द लैंडस्केप, जो लैंडस्केप है यहाँ का, यानी कि जिस जगह पर है वो, वहाँ का जो लैंडस्केप है, इट्स जियोलॉजिकल प्राइम डिसॉल्व्स टू शो इट्स क्विंट एसेंशियल स्लाइम। वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं। यहाँ के जो लैंडस्केप हैं, लैंडस्केप यानी कि जो जियोलॉजिकल प्राइम्स हैं, यानी कि जो पर्वत है, जो पेड़ पौधे हैं, पंछी हैं, जानवर है, ये सभी आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये स्लाइम बन जाते हैं, एक मिक्सचर बन जाते हैं, यानी मड, कीचड़ बन जाते हैं, है ना। तो ये सभी मिलजुल के एक ऐसे कीचड़ बन जाते हैं जो कि उनको अपने सोचने में, सोच में दिखते हैं। अ मिलियन स्टार्स आर ब्लॉटेड आउट, और अचानक से मिलियन स्टार्स यानी हजारों करोड़ों लाखों तारे, तारे यहाँ पर क्या है? सोच। मिलियन स्टार्स आर ब्लॉटेड आउट, मिलियंस ऑफ सोच, मिलियंस ऑफ थिंकिंग अचानक से आते जाते रहते हैं, है ना। ब्लॉटेड आउट, अचानक से आना जाना, आना जाना। तो क्या होता है, जब वो सोचते हैं वहाँ पे, उनको जो जियोग्राफिकल वहाँ का जो जियोलॉजिकल प्राइम, जो लैंडस्केप है वहाँ का, वो आपस में सब मिला जुला सा लगता है, और अचानक से हजारों तारे या हजारों सोच आने जाने लगते हैं। ठीक है,
आई थिंक ऑफ ईच हिस्टोरिक पैशन, ये क्या करते हैं, किन के बारे में सोचते हैं, ईच हिस्टोरिक पैशन, बीते हुए समय के हर एक घटना को, एज अ ब्लिंग, एक जैसे वो पलक झपक रहे हैं, यानी कि पलक झपकने में ही वो हजारों अपने बीते हुए घटनाओं के बारे में सोचते हैं, दैट हैपेंड टू द सैड आई ऑफ टाइम, जो कि समय के एक उदास नजरों में कभी हुआ था, यानी कि जो इनका बीता हुआ उदासीपूर्ण जो समय है उसके बारे में ये एक ब्लिंक में ही सोचते हैं। ठीक है, ये संज्ञा क्लियर हुआ। नेक्स्ट संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। बट रेसिड्यूस ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन, रेसिड्यूस क्या होता है, बचा हुआ। ठीक है, बट रेसिड्यूस ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन, लेकिन कुछ जो मीनिंग्स अभी बचे हुए हैं, एज डार्केस्ट मिथ मीन्डर थ्रू द पेन टूवर्ड्स अ फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट, एज डार्केस्ट मिथ, डार्केस्ट मिथ क्या होता है, रहस्यमयी सत्य या रहस्यमयी सच्चाई। तो जो अभी कुछ बातें जो भी क्लियर नहीं है बची हुई हैं, ऐसी बातें क्या है, मीन्डर थ्रू द पेन, वो पेन की तरफ से होती हुई टूवर्ड्स अ फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट, फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट, लाइट यानी कि सच्चाई, अंतिम सच्चाई की ओर आगे बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो निसी मेजिकल हैं, कवि हैं, वो सिंपली तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि हम फिलॉसफी, यानी ये फिलॉसफी के बारे में जो पोएम लिख रहे हैं उसमें बताते हैं कि हम फिलॉसफी के बारे में सब कुछ नहीं समझ सकते, है ना, उनके कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, सब कुछ क्लियर होते हुए भी हमारे कुछ मिथ्स अभी भी ऐसे हैं जो कि अनक्लियर्ड हैं, है ना। और वो क्या होता है कि पेन के थ्रू तरफ से होते हुए, पेन के थ्रू होते हुए एक फॉर्मूला ऑफ लाइट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और आई टू रिजेक्ट दिस क्लैरिटी ऑफ साइट, व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड डू नॉट एक्सप्लेन, और मैं भी ये जो साइट, साइट यानी जो दृश्य, ये जो दृश्य की क्लैरिटी है, सच्चाई है, ये मैं भी रिजेक्ट करता हूँ। आई टू रिजेक्ट, मैं भी रिजेक्ट करता हूँ दिस क्लैरिटी ऑफ साइट, इस दृश्य की सच्चाई। क्या वो रिजेक्ट करते हैं, इस दृश्य की सच्चाई क्या है, व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड डू नॉट एक्सप्लेन, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, मत करो। ठीक है, अच्छा, तो इन सिंपल लैंग्वेज इस स्टेंजा का मतलब समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पोयम है फिलॉसफी के बारे में, ये हम सभी को पता है क्योंकि इसका टाइटल है फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी के बारे में इस तरह से है, ये बताना चाह रहे हैं कि फिलॉसफी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं सॉरी जो कि पूरी तरह से सच नहीं होती हैं, जिनके बारे में हमको पूरी तरह से पता नहीं होता है, तो ऐसे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और आप भी ना उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, इतना मतलब हुआ। फिर अगले स्टेंजा में निसी मेजिकल पोइट्री को फिलॉसफी से सुपीरियर दिखाते हुए कहते हैं, द म्यूंडियन लैंग्वेज ऑफ द सेंस सिंग्स इट्स ऑन इंटरप्रिटेशंस। म्यूंडियन मतलब क्या होता है, कॉमन, सरल। तो जो सरल लैंग्वेज है, सिंग्स इट्स ऑन इंटरप्रिटेशंस, सरल लैंग्वेज यानी कि जो पोएट्री है, पोएट्री उनके अकॉर्डिंग सरल लैंग्वेज है, जो सरल लैंग्वेज है पोएट्री है, ये अपने आप में ही अपनी मीनिंग्स, अपने मतलब को समझा देती है। ठीक है, इसको अपने मतलब को समझाने के लिए, अपनी भावनाओं को बताने के लिए किसी और माध्यम की आवश्यकता या किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन थिंग्स बिकम बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस। जो कॉमन थिंग्स होती हैं वो अपनी वर्च्यू को कैसे पाती है, कॉमननेस से, यानी कि जो कॉमन थिंग्स होती हैं वो क्यों महान बनती हैं, क्योंकि उनके अंदर यही खासियत थी कि वो कॉमन है, बहुत ही सिंपल है, सरल है। एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर नेकडनेस, यहाँ पे नेकडनेस मतलब होता है ओपनली, ओपन करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा टोल मटोल करना, किसी सिंपल चीज़ के बारे में, यानी कि कोई भी चीज़ बहुत ही सिंपली दी हुई है, आप उसको सिंपल वे में ना समझते हुए उसके अंदर एक से एक कमियां निकाल रहे हैं, उसके अंदर की और चीज़ें उसको एक परत करके उसको खोलना चाह रहे हैं, खोल रहे हैं, तो वो क्या करता है, दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ इट ब्रिंग्स। तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर का सत्य मार देता है,
यानी कि अगर आप किसी सरल चीज को सरलता से न समझते हुए उसको जबरदस्ती कठिन बनाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती उसको टफ बनाना चाह रहे हैं, तो वो उसकी मीनिंग क्या होती है अपने आप में खत्म हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पोएम यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो या ये पोएम बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और भी वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।